नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां गायत्री परिवार के द्वारा नौकुंडी महायज्ञ कराया जा रहा है। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां व्यापारी सुनील मिश्रा ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ और बताएंगे कि कैसे रोहतास में जीविका शिव सागर की दीदियों ने मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से किया जागरूक। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर औरैया के एरवा कटरा से है, जहां गायत्री परिवार के द्वारा नौकुंडी महायज्ञ राष्ट्र जागरण प्रज्ञा पुराण का कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। वहीं गायत्री परिवार के सदस्य पंकज सिंह ने बताया कि 3 बजे से भाग्य कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल एरवा टीकुर रामलीला मैदान से शुरू होकर पूरे एरवा कटरा का भ्रमण करेगी, जिसमें देव मंच से लेकर यज्ञशाला की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कानपुर से आई हुई टीम के द्वारा आयोजन किया जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सिंह है। अच्छा, आज यहाँ जो एरवा टीकुर में एक रामलीला ग्राउंड पे प्रोग्राम चल रहा है गायत्री का, क्या प्रोग्राम है, कहाँ से कब? ये हमारा 9 दिवसीय नौकुंडी गायत्री महायज्ञ और राष्ट्र जागरण का प्रज्ञा पुराण कथा का कार्यक्रम चल रहा है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। अभी हम लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और देवमंच से लेकर के यज्ञशाला तक ये सब बनाई जा रही है। आज शाम को 3 बजे से यहाँ से कलश यात्रा का भव्य कलश यात्रा निकलेगी, और जो कि पूरे एरवा में एरवा पछेला से होकर के और एरवा बाज़ार से होकर के और ये मेन रोड से होकर के यहाँ पर वापस आएगी, समापन होगा। और कल सुबह 6 बजे से यहाँ पर नौकुंडी यज्ञ का शुभारम्भ होगा और उसमें कई पालियाँ चलेंगी। सारे संस्कार यहाँ पर जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे निःशुल्क कराए जाएंगे, और राष्ट्र जागरण के लिए, मानव उत्थान के लिए ये कार्यक्रम है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है और अपील भी है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आएं। आज शाम को तीन बजे कलश यात्रा में शामिल हों। मेरी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग हो सके तो पीले वस्त्र पहन करके, पीली साड़ी पहन करके, पीला सूट पहन करके आएं और कलश यात्रा को भव्य एवं दिव्य बनाने का प्रयास करें। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी सुनील मिश्रा ने कहा कि मोदी जी पूरे देश में काफी अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसीलिए 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया है। कश्मीर से 370 धारा को समाप्त करना, राम मंदिर का निर्माण करवाना, बिजली की व्यवस्था में सुधार हो, ये सब पीएम मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है। जो कार्य पूर्ववर्ती सरकार में नहीं हुए वो मोदी सरकार में हुए हैं। पहले बिजली कटौती से लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब मोदी योगी की सरकार में बिजली व्यवस्था में सुधार आया है। इतना ही नहीं, राम मंदिर मुद्दे को लेकर सुनील मिश्रा ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था जिसको पीएम मोदी ने पूरा किया। राम मंदिर मुद्दे को लेकर ही सुनील मिश्रा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा राम विरोधी है। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है बलिया में, अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव होना है। ऐसे में आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके जेहन में कौन सा मुद्दा रहेगा जिसके आधार पर आप वोट देंगे? मुद्दा यही है कि मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और कश्मीर से 370 धारा भी हटाए जिससे सबको लाभ मिलेगा, पूरे देश को लाभ मिलेगा, और बहुत कुछ काम किए, राम मंदिर बनवाए, और देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, हम लोग को पूरा विश्वास है। और माननीय योगी जी भी पूरे प्रदेश में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे, हम लोग को पूरा विश्वास है। ये बताइए कि इस समय चुनाव में अब देखने को मिल रहा है कि जाति का जहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप इससे कितना इतर का वोट करेंगे? जात से देश नहीं चलता है, विकास से देश चलता है, और एक समाज को एक तरफ एकजुटता से देश चलता है, जात से देश नहीं चल पाएगा। मोदी जी के हम लोग के लिए बहुत किए हैं और सम्मान भी हिंदुओं को बहुत दिए हैं, मंदिर बनवा कर, और बहुत काम किए हैं, और भगवान राम को हम लोग को नहीं भूलना है। उसी तरह मोदी जी का भी जो सम्मान हम लोग को दिए हैं उसको नहीं भूलना चाहिए। सभी हिंदू भाइयों को बहुत सम्मान दिए हैं, जिससे हम लोग जाते हैं अयोध्या जी को महसूस होता है कि भगवान राम का यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बना है, और सम्मानित हम लोग महसूस करते हैं।
बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां करहई थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। एक महिला के साथ 6 व्यक्तियों के द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म किया जाता है और शर्म की बात तो ये है कि सभी आरोपियों का करहई थाना पुलिस सहयोग कर रही है। दुष्कर्म के साथ साथ पीड़ित महिला को 13 दिनों तक बंदी बनाकर भी रखा गया, जहाँ महिला का सौदा तक किया गया और क्षेत्रीय पुलिस तमाशा देखती रही। एक तरफ तो नारी शक्ति की बात कही जाती है तो वहीं दूसरी तरफ खरगोन पुलिस इसी बात का तमाशा बना रही है। पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती में क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। आपके साथ में क्या क्या घटना हुई थी? हमें यहाँ से धोखे से बुलाया गया। किसने बुलाया था? ससुराल वाले ने। तो मैं मैंने भैया के पर्चे गई यहाँ से, तो इन लोगों ने हमें जूना पानी बुलाया, बोले उसको लेकर जूना पानी आ जा, यहीं पे पुलिस आई है। तो बोले ठीक है, मैं उनको वहाँ लेकर आ जाता हूँ। तो वहाँ जैसे ही हम गए, गाड़ी से नीचे उतरे, तो वो भैया को बहुत मारा इन लोगों ने, मार मार के सिर फोड़ दिया और मुझे बांध कर गाड़ी में बिठा कर नीचे ले गए जंगल में। अच्छा जी, तो क्या हुआ जंगल में? फिर जंगल में हुए के इन लोगों ने, 5 लोगों ने मेरा रेप किया। उन लोगों को आप जानते हो? जी जानती हूँ, शकल से भी जानती हूँ, नाम से भी जानती हूँ। क्या क्या नाम है उन लोगों का? नाम है मोहन पिता करता, जितेन पिता गजरा, समृत पिता मिश्री लाल, और संतोष पिता रसाल, मनसा पिता कोलिया। अच्छा जी, करता। इन पांचों लोग, पांचों लोगों ने आपके साथ में रेप किया जी, और एक इंसान ने मेरे साथ में छेड़खानी की, बुजुर्ग कही है। मतलब कुल मिला के 6 लोग हैं। 6 लोग हैं कुल मिला के। अच्छा, और पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है आपके साथ में? हाँ, पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। इन लोगों ने मुझे यहाँ, पहले हम इंदौर रहते थे, तो मेरे सास ससुर और मेरे पति ने मुझे एक जगह बेच दिया था, जहाँ हम काम करते थे उसी ठेकेदार ने मुझे बाद में बताया कि तुझे यहाँ बेचा गया है। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम है रमेश। कितने में बेचा था? मेरे को वहाँ पे 60,000 में बेच के चला गया था। अच्छा, इसको लेके भी आपने कभी कोई शिकायत वगैरह या किसी को बोला? हाँ, इसके भी लेके हमारी शिकायत हुई है यहाँ पे लसुड़ा थाने पे, तभी मैंने बोल दिया था मुझे पति के साथ में नहीं रहना है। खरगोन से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो जालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी के निर्देश पर नशीली दवाइयां मार्गदर्शन में सभी पीएलवी ने अपने अपने क्षेत्र में नशीली दवाएं के दुरुपयोग नशाखोरी के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इस अभियान में पीएलवी कमला राय गांगुली ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि नशीली दवाओं का उपयोग करने से अवसाद, मानसिक चिड़चिड़ापन, वजन घटना, दौरे पड़ना, कमजोरी समेत कई सारी चीज़ों के नुकसान हैं। पीएलवी अमूल्य रत्न रविदास ने कहा कि शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन आजकल बहुत आम हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी लोग अलग अलग तरीके से नशे कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई गांवों और क्षेत्रों में ये जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं पाकुड़ सदर के पाकुड़ प्रखंड परिसर में नीरज कुमार राउत द्वारा जागरूकता फैलाई गई। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जो जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर चोर एवं ग्राम पंचायत आलमपुर की, जहां जीविका दीदियों के द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया, जैसे पहले मतदान, बाद में जलपान, वोट डालने जाना, अपना फर्ज निभाना। ऐसे ही कई स्लोगन के साथ लोगों को संकल्प दिलाया गया। रैली को सफल बनाने में अनीता देवी, CF अनु कुमारी, रीता कुमारी, बीके ज्योति समेत कई लोगों की अहम भूमिका रही। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंडित ब्रज किशोर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।